शाहरुख खान नवंबर में शुरू करेंगे अगली फिल्म की शूटिंग। सिद्धार्थ आनंद की पठान में आएंगे नजर। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के फैंस लंबे समय से उनकी अगली फिल्म की अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे हैं। शाहरुख ने अब तक अपने अगले प्रोजेक्ट को लेकर ऑफिशियल अनाउंसमेंट तो नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि उन्होंने सिद्धार्थ आनंद की फिल्म पठान साइन कर दी है और वो जल्द ही फिल्म की शूटिंग भी शुरू करेंगे। शाहरुख को लेकर खबरें हैं कि वो अपनी फिल्म पठान की शूटिंग अगले महीने यानी नवंबर में शुरू करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले फिल्म की शूटिंग विदेश में होनी थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अब मुंबई में ही फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग करने का फैसला लिया गया है। पिंक अविला की रिपोर्ट के मुताबिक अब फिल्म के बड़े हिस्से को मुंबई में ही शूट किया जाएगा और इसके लिए लोकेशन की तलाश जारी है, जहां सुरक्षा के नियमों का पालन करते हुए शूटिंग की जा सके। मेकर्स चाहते थे कि फिल्म की शूटिंग अक्टूबर में शुरू हो, लेकिन यह अब नवंबर में ही शुरू होगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म में शाहरुख कई लुक्स में नजर आएंगे, जिनमें से एक होगा एक्शन थ्रिलर और इसके लिए सारके को लंबे बाल रखने होंगे। यही वजह है कि इन दिनों शाहरुख ने अपने बाल बढ़ा रहे हैं। मालूम हो कि IPL के दौरान दुबई में अपनी टीम कोलकाता नाइट राइडर्स को चीयर करते हुए उन्हें उनके नए लुक में देखा जा चुका है। इसके साथ ही खबरें हैं कि सिद्धार्थ आनंद की इस फिल्म में शाहरुख के अलावा एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण और नेगेटिव रोल में जॉन अब्राहम भी नजर आएंगे। मालूम हो कि शाहरुख खान पिछले करीब 2 साल से बड़े पर्दे से दूर हैं। साल 2018 में उनकी फिल्म जीरो रिलीज हुई थी, जिसमें उनके अलावा एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ थीं।